प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर अल्फा इज द पैरामीटर। और ये प्रॉब्लम जो है आगरा विश्वविद्यालय में सन 1990 में आ चुकी है। देखिए ऐसा है कि जो हमारे लिए फैमिली ऑफ द कर्व की इक्वेशंस देता है उसमें कभी कभी तो एक पैरामीटर होता है और कभी कभी उसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर ही अगर है किसी इक्वेशंस फैमिली ऑफ द कर्व की इक्वेशंस में तो उसको सॉल्व करने के अलग तरीके हैं और दो पैरामीटर वालों के अलग तरीके हैं। आपको हम आज जो प्रॉब्लम समझा रहे हैं उसमें एक पैरामीटर है अल्फा और हमारे लिए इस एनवलप इस फैमिली ऑफ द कर्व्स की एनवलप की इक्वेशंस याद करनी है। यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वे कांस्टेंट हैं, वे पैरामीटर नहीं हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे लिए फैमिली ऑफ द कर्व्स की इक्वेशंस दी गई है वह लिख लेते हैं। तो हमने इक्वेशंस वैसे की वैसे लिख ली, गिवन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद हमारे लिए जो ओरिजिनल इक्वेशंस दी गई है उस ओरिजिनल इक्वेशंस का पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि इस इक्वेशंस के अंदर अल्फा पैरामीटर है इसलिए हम अल्फा के रेस्पेक्ट में ही पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करने का मतलब यह है कि अल्फा के अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं उन सबको कांस्टेंट माना जाएगा। क्लियर? तो चूंकि आरएचएस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर ये दो राशियां हैं इसलिए इन दोनों राशियों को कांस्टेंट माना जाएगा। इसलिए जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आरएचएस में इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा जीरो और एलएचएस में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएट जब करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में तो इसका आएगा दो सेक अल्फा इंटू सेक अल्फा टेन अल्फा और प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर वैसा का वैसा रह जाएगा। और ये जब कॉसिक स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा तो प्राप्त होगा टू कॉसिक अल्फा इंटू माइनस कॉसिक अल्फा इंटू कॉट अल्फा। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नई लाइन प्राप्त हो जाएगी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट अल्फा। क्लियर? अब देखिए ऐसा है कि जैसे कि आपको ये ओरिजिनल इक्वेशन दी गई थी और ये डिफरेंशिएट करने के बाद जब आपने पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको ये इक्वेशंस प्राप्त हो गई। इस इक्वेशंस को आप सेकंड इक्वेशंस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्लियर? अब आप यदि इक्वेशंस फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में से पैरामीटर को इलिमिनेट कर दें किसी प्रकार से तो जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, जो इक्वेशंस प्राप्त होगी वह आपकी एनवलप की इक्वेशंस हो जाएगी। तो आप यदि इन दोनों के बीच में अल्फा को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हो सकता है कि हो जाए और हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम पैदा हो। क्लियर? तो इसलिए यहीं से हम एक साथ अल्फा को एलिमिनेट करना प्रारंभ नहीं करते हैं बल्कि जो इक्वेशंस हमारी पार्शली डिफरेंशिएट करने के बाद प्राप्त हुई है उसको हम एक प्रकार से अरेंज कर लेते हैं जिससे कि उसकी सहायता से हम अल्फा को या पैरामीटर को आसानी से एलिमिनेट कर सकें। तो इसके लिए हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे लिए लाइन प्राप्त हो गई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 10^4 अल्फा बराबर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 10^2 अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्लियर? देखिए जैसा कि आपको मालूम है जब हम किसी राशि का
स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स। लेकिन ये टेन स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स जो है ये मान अमान्य है। क्यों? क्योंकि टेन अल्फा जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो रियल नंबर होती है, और किसी भी रियल नंबर की जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है सदा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होगी वह कभी नेगेटिव हो सकती ही नहीं है। एंगल के हिसाब से तो टेन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड में पड़ रहा है, थर्ड में पड़ रहा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कोण जो है आपका किसी भी क्वाड्रेंट में पड़ रहा हो, चाहे आपकी टेन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पॉजिटिव ही प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इसमें ये वाला मान नहीं माना जाएगा, आपको टेन स्क्वायर अल्फा बराबर वाई अपॉन एक्स ही मानना होगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू प्राप्त हो गया वाई अपॉन एक्स। अब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशंस है इसमें हम टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा अल्फा एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन हमारी जो अल्फा जहाँ पर इक्वेशंस है उसमें टेन में तो हमारा प्रॉब्लम दी नहीं है, सेक में और कॉसिक में दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है sec स्क्वायर x, यहाँ पे लिखा है cosec स्क्वायर x। तो इस tan स्क्वायर अल्फा की सहायता से हम पहले sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और cosec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे हम जानते हैं sec स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारी निकल के आई है वाई अपॉन एक्स। तो यह जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो sec स्क्वायर अल्फा बराबर प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स। और इससे आप cot स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा x अपॉन y के, जब tan स्क्वायर अल्फा बराबर y अपॉन x के है तो cot स्क्वायर अल्फा बराबर होगा x अपॉन y के। अब हम cosec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं cosec स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, और cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपकी x बटे y है। तो यहाँ जब हम x बटे y पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन y अपॉन y। अब हमारे लिए sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू प्राप्त हो गई और cosec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू प्राप्त हो गई, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ आसानी से पुट कर सकते हैं, और जब इन वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा का विलोपन हो जाएगा, अल्फा समाप्त हो जाएगा। मतलब हम इन दो इक्वेशंस की सहायता से या इस इक्वेशंस की सहायता से किसी प्रकार से कहिए हम अल्फा को, ये इक्वेशंस जो लिखी है ये 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 सब एक बात है, क्योंकि ये इक्वेशंस बनी तो हमारी उसी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद है जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशंस को पैरामीटर का के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद प्राप्त हुई है। तो हम ये कहें कि इससे हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसकी और इसकी सहायता से एलिमिनेट करेंगे तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, उसलिए हमारी जो पार्शली डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशंस प्राप्त हुई है उसकी सहायता से हम इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं कि हमें जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करने में आसानी रहे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन पुटिंग द अबव वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर अल्फा एंड cosec स्क्वायर अल्फा इन इक्वेशंस फर्स्ट वी हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द एनवेलप। तो इसका मतलब हिंदी में हुआ कि sec स्क्वायर अल्फा और cosec स्क्वायर अल्फा की इन मानों को समीकरण नंबर एक में रखने के बाद हमारे लिए एनवेलप का अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के स्थान पर तो x स्क्वायर रहेगा, और जब sec स्क्वायर x की अल्फा की वैल्यू लगाएंगे तो लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन एक्स, प्लस दिया जाएगा आपका वाई स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, और cosec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आर एच एस में है वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अब एक प्रकार से आपकी ये इक्वेशन से हुई एनवेलप की, लेकिन फिर वही बात
ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके ठीक से लिखिए जिससे कि आपका पुस्तक से आंसर मिल जाए, आपको समझने में आसानी हो। जिस रूप में इक्वेशंस ज़्यादातर लिखी जाती हैं, इस रूप में इक्वेशंस नहीं लिखी जाती प्राय, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा और हमारे लिए इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तब फल प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारी यही एनवेलप की इक्वेशंस हो गई। आपका आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए वो ज़रा अच्छा लगता है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए तो यह आपको फल प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आंसर सही है। और आपको अगर इसको और लिखना चाहें तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप आंसर चाहे यहाँ पर छोड़ दीजिए, चाहे यहाँ पर छोड़ दीजिए और चाहे यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये सभी आंसर सही हैं, अच्छे हैं। क्योंकि जिस पुस्तक से मैंने ये प्रश्न लिया था उस पुस्तक में आंसर इस रूप में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इसी रूप में करके छोड़ दिया था। आपका मन है आप इस रूप में लिखिए, आपका मन है आप इस रूप में लिखिए, और आपका मन है इस रूप में लिख लिए। आपको जानकारी सभी होना चाहिए, क्योंकि अगर विकल्प वाला प्रॉब्लम है, विकल्प में आपको है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको आंसर इस रूप में दिया हुआ है या इस रूप में दिया हुआ है या इस रूप में दिया हुआ है, या फिर जिस पुस्तक से मैंने लिया उसमें तो ये आंसर दिया है इस फॉर्म में, हो सकता है किसी और पुस्तक में ये वाला आंसर दिया हो, हो सकता है किसी और पुस्तक में ये वाला आंसर दिया हो। तो आप जिस पुस्तक से कर रहे हैं उस पुस्तक से आंसर मिलाने का आप प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको भली प्रकार से सभी जानकारी हो जाए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।